आज का टॉपिक हमारा गियर सिस्टम इन ऑटोमोबाइल है। काफ़ी स्टूडेंट से बात करने के बाद मैंने यह रियलाइज़ किया कि उन्हें गियर सिस्टम तो पता है कि ऑटोमोबाइल के अंदर गियर होता है 1, 2, 3, 4, 5, पर उन्हें यह नहीं पता कि गियर चेंज करने पर हमारी गाड़ी की स्पीड को क्यों बढ़ा दे रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी पे बेस है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम यह जान लेंगे कि हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ क्यों जा रही है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है बाइसाइकिल का। बाइसाइकिल एक ऐसा साधन है जिसको लगभग सभी ने चलाया हुआ है, सभी का बचपन लगभग इस पे बीता ही होगा। तो बाइसाइकिल के अंदर जो फ्रंट पैडल होता है जिस पे हम फोर्स लगाते हैं उसे हम क्रैंक बोलते हैं। सामने जो आप बच्चे को देख रहे हैं साइकिल चला रहा है इसे अप पैडल साइकिल बोलते हैं। जिस पे हम फोर्स लगाते हैं उसे हम क्रैंक बोलते हैं। उसके साथ में जो गियर लगा रहता है उसे फ्रंट गियर, और पीछे वाले को फ्लाईव्हील या फिर रियर गियर भी बोलते हैं। और क्लियर से समझने के लिए मैंने साइकिल में ही कुछ सिचुएशन क्रिएट किया है जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि हमारी साइकिल की या फिर हमारे कार की स्पीड क्यों बढ़ जाती है गियर चेंज करने पर। तो सिचुएशन नंबर वन में मैंने सामने वाला जो फ्रंट जो जिस क्रैंक के साथ जो गियर लगा रहता है उसको 20 टीथ का दिया है और पीछे वाला 10 टीथ का। तो आपको यह बताना है कि एक बार अगर हम पैडल लगाएंगे तो रियर व्हील कितनी बार घूमेगा। ऑब्वियसली रियर व्हील 2 बार घूमेगा, एक बार हमें पैडल लगाना पड़ेगा। सिचुएशन नंबर दो में मैंने 20-20 के दोनों दिए हैं। तो ऑब्वियसली बात यही है कि एक बार अगर हम पैड लगाएंगे तो पीछे वाला भी एक बार ही घूमेगा। इट मीन्स जो हमने पावर लगाया था वही हमें आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट गियर के अंदर। सिचुएशन नंबर तीन में सामने वाला 60 टीथ और पीछे वाला 20 टीथ है। इट मीन्स जब हम एक बार पैड लगाएंगे तो 3 बार हमारा रियर व्हील घूमेगा। इट मीन्स स्पीड बढ़ जाएगी और टॉर्क कम हो जाएगा। तो कंडीशन के हिसाब से एक बार दोबारा से देखते हैं। कंडीशन नंबर वन में फ्रंट व्हील जो है 20 का और रियर भी 20 का है। इट मीन्स जो हम फोर्स लगाएंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा फर्स्ट गियर के अंदर। कंडीशन नंबर दो में फ्रंट वाला 20 का है और रियर वाला 10 का। इट मीन्स एक बार पैड लगाने पर रियर व्हील 2 बार घूमेगा जैसे गियर हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन नंबर थ्री में सामने वाला 60 का और पीछे वाला जो है 20 का था। इट मीन्स एक बार पैड लगाने पर 3 बार पहिया घूमेगा, यानी कि हमारी जो गाड़ी है वो गियर चेंज करने पर आगे की तरफ जा रही है, मतलब कि गियर हमने बढ़ा दिया है। तो सिचुएशन के हिसाब से एक और देखते हैं हम, और क्लियर हो जाएगा हमें। सिचुएशन में अगर हम अपनी साइकिल को अपर हिल की तरफ ले जाना है, मतलब कि चढ़ाई पर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बड़े गियर में लगाएंगे। बड़े गियर में लगाने पर हमें आउटपुट उतना ही मिलेगा और हमारी साइकिल आराम से चढ़ जाएगी। लेकिन जब हम प्लेन सरफेस पर आ जाएंगे तो प्लेन सरफेस पर हम कोई भी गियर, नॉर्मल गियर जो हमें अच्छा लगता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, टॉर्क कम, तो हम लास्ट गियर का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर होता है। हम फर्स्ट गियर का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, यानी कि जब हम गाड़ी को ले करके चलेंगे। सेकंड गियर का इस्तेमाल जब करेंगे जब हमें एक नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड की तरफ जाना है। और लास्ट गियर फाइनल गियर का इस्तेमाल जब हम करेंगे जब हमें टॉर्क नहीं चाहिए, सिर्फ स्पीड चाहिए, जैसे हम हाईवे वगैरह पर लगाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना है कि गियर सिस्टम क्या होता है। गियर सिस्टम हमें अलग अलग गियर के हिसाब से हमें डिफरेंट स्पीड प्रदान करता है। यही हमारा गियर सिस्टम होता है। किसी किसी गाड़ी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गियर भी होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं। तो गियर के टाइप क्या होते हैं, तो बेसिकली जो गियर के टाइप होते हैं वो स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर, वो इन्हीं सभी गियर का इस्तेमाल करके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों ने बहुत सारे ट्रांसमिशन सिस्टम बनाए हैं जो हमारी गाड़ी को तेज़ रफ्तार और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे DSG डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये सभी ट्रांसमिशन सिस्टम हमारी गाड़ी को तेज़ रफ्तार और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलें कि आज का गियर सिस्टम आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकें जो आपके आपसे रिलेटेड हो और आपके टॉपिक को कवर करे। थैंक यू।